बसमिल सईदिना महमदिन वसबी वबारिक वसलम बिहमदिल्ली तैमी मुरसल के ऊपर अपनी गुफ्तु को मुकमल कराए हैं अब जो कुछ बातें मैंने हदीस मुरसल के हवाले से बयान की थी मैं तकमिला के तौर पर इमाम रजब हम्बली रहमत की शरातमी से कुछ चीज़ों को बयान करना चाहता हूँ ताकि ये हमारे पास एविडेंस हो कि ऐसी बात नहीं कि जो सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि हुफाज हदीस ने इसी तरह से चीज़ों को समझा है सबसे पहले जैसे कि जिक्र किया कि मुहदसिन के नज़दीक एक रिवायत जो है वो ज़यीफ़ होती है लेकिन फ़ुकहा के नज़दीक वो रिवायत सही होती है तो इसके अंदर कोई तजाद नहीं है इन दो बातों के दरमियान सिर्फ मसला सिर्फ इतना है कि इन दोनों की जो हदूद है जो जोम है उसका दायरा कार जुदा जुदा है मुहदसिन के जो ूम हैं ये सनत के साथ ख़ास होते हैं लिहाजा जब वो किसी सनत को देखते हैं कि इसमें इनकता आ रहा है तो वो उसके ऊपर ज़ोफ़ का हुक्म लगाते हैं लेकिन जब फुकाहा ये देखते हैं कि ठीक है इनकता इसके अंदर मौजूद है कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है कि रिवायती गलत हो इसका जो माना है वो देखते हैं कि वह किस पर दलालत कर रहा है और फिर अगर उस माना को तकवीत मिलती है दीगर से मतलब कुरान से या दीगर अहादीस को सपोर्ट करती हैं उस माना को उस कॉन्सेप्ट को तो फिर वो उस हदीस को कबूल करते हैं तो लिहाजा इसमें कोई इख्तलाफ़ नहीं है इसके ऊपर इमाम नजब हमी रहमत फरमाते हैं वालम चा लो अनह इस बाब में हुफाज और फुकाहा इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके कलाम में बल्कि ये इसका महल है इन दोनों के कलाम का जो जुदा जुदा है फरमाते हैं जो हफाद हदीस है इन हदीस जो हफाद है वो एक खास मुन हदीस के ऊपर गुफ्तगु कर रहे होते हैं वो एज ए होल नहीं देख रहे होते वो कहते हैं ये जो एक सिंगल रिवायत हम तक आई है इसकी सनत कैसी है अगर उसकी सनत मुरसल हो तो वो अपने तरीके के ऊपर उसको वो ज़यीफ़ कहते हैं कहते हैं वह हुआ लई सा भी सही ही अला तरीक ही फिर वो उनके तरीके के ऊपर सही नहीं बैठती वो रिवायतलीन खिता ही व आदमी इतसाल इसनाद ही नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसलम क्योंकि उसमें इनकता होता है सन मुत्तसिल नहीं होती रसोल्ला वसलम तक लिहाजा वो सनद को बेस बनाकर उसके ऊपर वो जोफ़ का हुक्म लगाते हैं लेकिन कहते हैं अमल फुकाहा जहां तक फुका की बात है सिहत वो, वो माना को देखते हैं कि वो जो मुरसल माना बयान कर रही है जो मतन बयान हुआ है वो जिसपे दलालत करता हैदीस जिस पर वो हदीस दलालत कर रही होती है कहते हैं फादा जालिकल मुर्सल अगर वो जो मुर्सल है उसको तकवीत मिलती है दीगर क़रान से क़रा उ असला जो इस पर दलालत करते हैं कि इसकी कोई असल कुरान में या दीगर जो सोर्स हैं शरीत शरीय के उसके अंदर मौजूद है तो फिर ये जन कभी हो जाता है कि ये जो मुरसल के अंदर जो बात बयान हुई है ये सही है फज्ज्जो भी है मा एहफा भी मदल क़रा तो फिर वह उसको काबिल हजत जानते हैं उसकी उसके सपोर्टि एविडेंसिस की वजह से कि इसकी सपोर्ट कोई कुरान की आयत कर रही है कोई दूसरी हदीस कर रही है कोई सहाबा का अमल है कोई ऐसी चीज़ है जो जो कि अल्टीमेटली उसको सपोर्ट कर रही होती है मुरसल को तो यही वो बात है जो फ़कीर ने अर्ज की थी कि फुकाहा इसको रद्द नहीं करते आगे वो फरमाते हैं वहाँ आदा हुआ तहीक़ व फिल एहत ही बुलमरस बिलमरसल आइमा यही सही कौल बिल तहकीक है कि जिसको आइमा के, जिस के, के नज़दीक जो जिस तरह से मुरसल हदीस काबिल हजत होती है कहते हैं शाफ अहमद और वगैरह और दीगर आइमा ने इसी तरह इसको इख्तियार जो है वो किया है फिर आगे वो चंद एक अकवाल बयान करते हैं इसमें इमाम अली बिन मदीनी का भी वो कॉल लेकर आते हैं याकूब बिन शेबा का भी कॉल लेकर आते हैं और यहाँ तक कि वो इब्ने जरीर तबरी उनका ये कॉल मेंशन करते हैं उन्होंने फरमाया अन्ना इतलाक़ अल कौली भी अनुमुरसलाई सा भी हुज्जा, ये कहना कि मतला कन मतला जो हदीस मुरसल है ये हजत नहीं मिन गैरी तफसीलिन कोई उसकी डिटेल्स में जाए बगैर उसके अंदर कंडीशन को लगाए बग़ैर आप फरमाते हैं बिद ये ऐसी बिदत है जिसको दो सौ साल के बाद जाकर घड़ा गया है ठीक है यानी पहले जो इस्लाम के 200 साल थे उसके अंदर जिस तरह से फिक्र को बरता जा रहा था और जिस तरह मुहदसिन चीजों को कर रहे थे ये बिल्कुल उसके खिलाफ एक कौल है तो ऑबियसली अगर बाद में जाकर आज के जमाने में अगर आपके कल घड़ लेंगे कि हम मुरसल हदीस को कबूल ही नहीं करेंगे तो वो पहले दो सौ साल वालों के ऊपर आपका कल हजर तो नहीं बनेगा ना तो अहमदुल्लिया इस मामले में जो मुरसल का जो मसला था फ़कीर समझता है कि फकीर ने उसको बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया है इन बुनियादी बातों को जहन में रखें तो इनशाला के मजीद ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इनशाला हम अपनी गुतुगु को मजीद आगे जारी